हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टांग, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, हमने एम्ब्रियोलॉजी की पिछली क्लास में फ्लावर एंजियोस्पर्म के फ्लावर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अध्ययन किया था, और वह इसलिए ज़रूरी था कि एम्ब्रियोलॉजी के सारे जो प्रोसेस होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं, वो सारे एंजियोस्पर्म के फ्लावर में होते हैं, इसलिए हमने फ्लावर का ऑर्गेनाइजेशन, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एंजियोस्पर्म का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में देखेंगे। पहले तो हम ये जानें कि व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम हिंदी में पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, जो कि जितने भी लैंड प्लांट्स हैं, भूमि पर पाए जाने वाले जो पादप हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, उन सब के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अर्थात लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर दो अवस्थाएं होती है, एक तो स्पोरोफिटिक अवस्था होती है जो कि 2N होती है, और दूसरी अवस्था गैमेटोफिटिक अवस्था होती है जो कि अगुणित होती है, अर्थात उसमें एन सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। तो स्पोरोफिटिक अवस्था एंड जो गैमेटोफिटिक अवस्था है, वह एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती है लाइफ साइकिल के अंदर, इसलिए इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसके अंदर जो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक अवस्था है, वह डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक अवस्था से अल्टरनेट करती है। और एंजियोस्पर्म के अंदर एक खास बात यह है कि इसमें जो स्पोरोफिटिक अवस्था है, यह पूरी लाइफ साइकिल में बहुत डोमिनेटिंग समय के लिए होती है, अर्थात लंबे समय के लिए तो स्पोरोफिटिक अवस्था होती है, जिसमें कि जड़, तना, पत्ती, इसका डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद में जो गैमेटोफिटिक अवस्था आती है, जिसके अंदर फ्लावर का निर्माण होता है, पोलन एंड ओव्यूल का निर्माण होता है, वो छोटे समय के लिए होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अर्थात दो अवस्थाएँ होती है, गैमेटोफाइट अवस्था और स्पोरोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था एक लंबी फेज होती है, एक लंबे समय तक रहने वाली अवस्था होती है, जिसके ऊपर गैमेटोफाइट, अर्थात जिसके ऊपर पहले फ्लावर का निर्माण होता है और उस फ्लावर के अंदर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। यदि हम इसको और भी अच्छे से समझें, तो जैसे सपोज एक आम का पेड़ है, इसकी शुरुआत जैसे मान लो आम, जब आम के सीड से, गुठली से, मतलब उसके सीड गुठली से आम का प्लांट का जर्मिनेट पौधा बनता है, सबसे पहले छोटा सीडलिंग बनता है, फिर आम का जो पौधा है वो बड़ा होता है। 5-6 साल तक तो आम के प्लांट में खाली वेजिटेटिव अवस्था ही उसमें आती है, और तब तक प्लांट साइज में बढ़ता है, उसके अंदर खूब सारे शूट्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारी पत्तियां डेवलप हो जाती है, और उसका जो रूट सिस्टम है वो भी अच्छा वेल डेवलप हो जाता है। ये तो इसकी वेजिटेटिव अवस्था। अब प्लांट रिप्रोडक्टिव अवस्था में एंटर करता है। जब प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव अवस्था आती है, अर्थात जो गैमेटोफिटिक अवस्था अब आएगी, तो उसके दौरान उस समय फ्लावर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि साल भर हमेशा फ्लावर नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में ही उसमें फ्लावर होते हैं। तो ये फ्लावर्स सिंगल भी हो सकते हैं या ये ग्रुप में, अर्थात इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम के रूप में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आम के उदाहरण से हमें समझना है कि आम एक प्रकार का एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसके अंदर वेजिटेटिव अवस्था, अर्थात जो इसकी स्पोरोफाइट अवस्था है, जो जड़, तना, पत्ती जो अवस्था है, वह स्पोरोफाइट अवस्था कहलाती है, जिसकी हर सेल डिप्लॉयड होती है, उसमें 2N सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, और ये जो स्पोरोफाइट अवस्था है, ये लंबे समय तक रहती है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीव, या कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। उसके बाद में इसके अंदर जब फ्लावरिंग अवस्था आएगी, तो गैमेटोफिटिक अवस्था आएगी इसके अंदर, और फिर बाद में इसमें फर्टिल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा और सीड का निर्माण होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर एंजियोस्पर्म का है कि एंजियोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ये विषम बीजाणु है, अर्थात इसमें दो प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है, एक माइक्रोस्पोर कहलाता है जो कि मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है, और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, बाद में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी आवश्यकता होती है। एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि एंजियोस्पर्म के फ्लावर के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन से मतलब हुआ कि जो
जो पोलन ग्रेन है जब जर्मिनेट करता है तो उससे दो मेल गैमिट का निर्माण होता है। एक मेल गैमिट तो एग सेल से फ्यूज करता है, जब एग सेल से फ्यूज करता है तो उसको हम इससे जायगोट का निर्माण होता है, बाद में जाकर वो एम्ब्रियो बनाता है। और जो दूसरा मेल गैमिट है वह एम्ब्रियो सैक के अंदर जो बीच पे सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है जो कि जिसपे दो न्यूक्लियस डिप्लॉयड कंडीशन होती है उससे फ्यूज करती है, और उससे फ्यूज करने के पश्चात वो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। तो इस पे जनरली प्रश्न पूछा जाता है। तो एंजियोस्पर्म के फ्लावर का इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्यों दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है? क्योंकि दो मेल गैमिट है, एक मेल गैमिट सेंट्रल सेल से फर्टिलाइज करता है और दूसरा मेल गैमिट एग सेल से फर्टिलाइज करता है। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। और ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेंट्रल सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है बाद फर्टिलाइजेशन की जस्ट पहले, और डिप्लॉयड होने के बाद में जब वो एक मेल गैमिट एन से जब फ्यूज होती है तो वो तीन गुणित अर्थात ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब हम इनके फ्लावर्स के अंदर जो इस एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। मेल गैमेटोफाइट जैसा कि अभी बताया था आपको, इसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फ्लावर के अंदर कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होता है। कैलिक्स कोरोला का रिप्रोडक्शन के अंदर कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, खाली ये उसको हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उसमें असिस्ट करते हैं। जो एंडोशियम है उसकी एक इकाई स्टैमिन कहलाती है, और स्टैमिन जो है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टैमिन दो पोर्शन से मिलकर बना होता है, ऊपर वाला भाग जो एंथर लोब्स कहलाते हैं, एंथर कहलाता है जिसके अंदर एंथर लोब्स होते हैं, और नीचे वाला जो भाग सिलेंड्रिकल होता है वो स्टराइल होता है और फिलामेंट कहलाता है। एंथर मैंने आपको ये भी बताया था कि एंथर लोब, हर एक एंथर लोब में दो पोलन सेक होते हैं। यदि डाइथिकस है तो दो एंथर लोब होंगे, अर्थात उसमें चार पोलन सेक होंगे जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, और ये माइक्रोस्पोर बाद में जब इसके अंदर वॉल सीक्रेट हो जाती है तो ये पोलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से निर्माण होता है? जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम में होते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल तब तक तो 2n सेल होती है, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके अंदर अर्धसूत्र विभाजन होता है, और अर्थात मियोसिस होता है। उससे एक अर्धसूत्र विभाजन से चार माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ये चार माइक्रोस्पोर शुरुआत में तो टेट्राड के रूप में होते हैं, बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, और हर एक माइक्रोस्पोर बाद में वॉल सिक्रीशन के कारण पोलन ग्रेन में मॉडिफाइड हो जाता है। और जब इन पोलन ग्रेन का निर्माण होता है तब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी जो सबसे इनर वॉल है, अर्थात जो एंथर की जो सबसे इनर वॉल है जिसको हम टेपिटम कहते हैं, यह डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। और जब माइक्रोस्पोरेंजियम जब एंथर लोब परिपक्व हो जाएंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया बस्ट हो जाते हैं, और चाहे वो वर्टिकल स्प्लिट के द्वारा चाहे वो ट्रांसवर्स स्लिट के द्वारा बस्ट हो जाते हैं, और जो मैच्योर पोलन ग्रेन से वो एंथर से बाहर आ जाते हैं। यदि हम एक मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर दो कवरिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए, आउटर वॉल कहलाती है इसकी एक्साइन जो कि थोड़ी रफ होती है, मोटी होती है और मतलब खुरदरी होती है, और आउटर लेयर कहलाती है। जो इनर वॉल होती है वो थोड़ी थिन होती है, स्मूथ होती है, जिसे हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन के अंदर प्रश्न जनरली पूछा जाता है कि स्पोरोपोलेनिन कहाँ प्रेजेंट होता है। एक्साइन के अंदर स्पोरोपोलेनिन एक प्रकार का वाटरप्रूफ केमिकल होता है, वो पाया जाता है, जो कि जब इसका डेवलपमेंट होता है, किसका, पोलन ग्रेन का जब डेवलपमेंट होता है तो टेपिटल सेल से इस केमिकल का स्पोरोपोलेनिन का सिक्रीशन होता है, और उसकी वजह से एक्साइन वॉल का निर्माण होता है। और स्पोरोपोलेनिन की खासियत है कि यह पोलन ग्रेन को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, और पोलन ग्रेन जब बाहर एंथर के डाइसेंस होने से जब पोलन ग्रेन बाहर लिब्रेट होते हैं तो ये हवा, पानी या किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, और बाद में ये पोलिनेशन की क्रिया संपन्न करते हैं।
इस पिक्चर में मैंने पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन को शो किया है, किस प्रकार से ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया है, जिसके अंदर आउटर वॉल एक्साइन जो कि रफ होती है और इनर वाली जो होती है, इनर वॉल जिसको हम इंटाइन कहते हैं, ये स्मूथ होती है। इसके पोलन ग्रेन के अंदर जो इसका पहले डिविजन, जब ये मैच्योर होता है और जर्मिनेशन के लिए होता है, तो उसमें इसमें एक डिवीज़न, अनइक्वल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल का निर्माण होता है। छोटी सेल को हम जेनरेटिव सेल कहते हैं और जो बड़ी सेल होती है उसे हम ट्यूब या रेटेटिव सेल कहते हैं। फिर इसकी जर्म पोर के थ्रू इसकी जो एंटाइन है वो बाहर एक ट्यूब बनाती है, पोलन ट्यूब बनाती है। इस पिक्चर में आप यहाँ देख रहे हैं, ये पोलन ट्यूब बना रही है। इस पोलन ट्यूब के टिप पर तो ट्यूब निकलेस आ जाता है और पीछे की तरफ इसके अंदर जो इसकी जेनरेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस होता है। इसके पहले दोनों की वॉल डिजॉल्व हो जाती है तो न्यूक्लियस इनके फ्री हो जाते हैं। और अब इस जेनरेटिव सेल का जो ये न्यूक्लियस है, इसमें एक माइटोसिस होता है, क्योंकि ये हैप्लोइड तो है ही, इसमें एक माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से दो न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। बाद में ये दो मेल गैमेट में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं और इस पोलन ट्यूब के अंदर अब ये दो तो मेल गैमेट दिखाई दे रहे हैं आपको और ये ट्यूब न्यूक्लियस है। ट्यूब न्यूक्लियस बाद में डिजॉल्व खत्म हो जाता है, सिर्फ इसका काम एंटर करती हुई पोलन ट्यूब, जो कहाँ एंटर करती है, स्टाइल के अंदर जब एंटर करती है तो उसको मार्गदर्शन का कार्य करती है और बाद में इसका कोई रोल नहीं होता है। और ये पोलन ट्यूब जब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, तो वहाँ डिजॉल्व हो जाती है और ये दोनों मेल गैमेट्स को वहाँ पर रिलीज कर देती है। अब देखते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात एम्ब्रियो सैक का निर्माण। एंजियोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट इज इक्वल टू द एम्ब्रियो सैक। हम फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं और ये प्लांट रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म के प्लांट में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फीमेल गैमेटोफाइट की जो निर्माण की प्रक्रिया है ये दो स्टेप्स में संपूर्ण होती है। इसकी फर्स्ट स्टेप में मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस से मतलब है कि मेगास्पोर का निर्माण होना, जेनेसिस का मतलब बनना। तो पहले स्टेप में तो पहले मेगास्पोर का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है, ओविल के अंदर न्यूसेलस पाया जाता है और इस न्यूसेलस की एक जो हाइपोडर्मल सेल है वह मेगास्पोर मदर सेल की तरह अर्थात आर्किस्पोरियम की तरह कार्य करती है। इस मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, उसके अंदर एक मियोसिस होता है, उससे चार न्यूक्लियाई, उसके बाद में चार सेल का निर्माण होता है, जिसे हम मेगास्पोर कहते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से चार मेगास्पोर का निर्माण होता है। और इन चार मेगास्पोर्स में से तीन मेगास्पोर्स तो बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं और न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं डेवलपिंग फंक्शनल मेगास्पोर को, और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर्स में रहता है। अब दूसरी अवस्था आती है मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब ये जो फंक्शनल जो सर्वाइव करने वाला जो मेगास्पोर है, इसमें माइटोसिस होता है और इसकी इसके न्यूक्लियस में जब माइटोसिस होता है तो इससे माइटोसिस बार बार होता है तो उससे आठ न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है। तो एट न्यूक्लियेटेड एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। इस एट न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो सैक में इसके अंदर जो आठ सेल्स न्यूक्लियाई होती है, इसमें तीन जो न्यूक्लियाई होते हैं वो तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं और तीन न्यूक्लियाई जलाजल एंड की तरफ चले जाते हैं और दो न्यूक्लियाई इक्वेटोरियल प्लेट के वहाँ पर आ जाते हैं। जो दो न्यूक्लियाई इक्वेटोरियल प्लेट के वहाँ आते हैं, ये इनके इसको जिसको हमें पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई जस्ट फर्टिलाइजेशन के पहले फ्यूज हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड सेंट्रल सेल का निर्माण करते हैं। फिर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो तीन न्यूक्लियस होते हैं, उनमें से दो साइड के जो न्यूक्लियस होते हैं वह तो सिनर्जिड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, और बीच की जो सेल होती है वह एग सेल का निर्माण करती है। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये तीनों जो सेल है ये मिलकर के एग एपरेटस भी कहलाते हैं। फिर जो बची हुई जो तीन सेल है जो कि जलाजल एंड की तरफ चली जाती है, उन जलाजल एंड की तरफ जो सेल न्यूक्लियस चले जाते हैं वो भी सेल में डेवलप हो जाते हैं और उनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है और दो मेल गैमेट को रिलीज कर देती है। उन दो मेल गैमेट्स में से
एक मेल गैमेट तो एग सेल से फ्यूज होती है और डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण करती है, जो कि बाद में माइटोसिस के द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण करती है। और दूसरा मेल गैमेट जो होता है वह बीच में एम्ब्रियो सैक के बीच में पड़ी हुई जो सेंटर सेल होती है, जो कि डिप्लॉयड हो जाती है, उससे फ्यूज करता है। और इस प्रकार से तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, उसकी वजह से त्रिगुणित अर्थात ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और जब ये सब प्रक्रिया होती है तो एंटीपोडल सेल्स भी नष्ट हो जाती है और सिनर्जिड सेल्स भी नष्ट हो जाती है और खाली दो ही स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं इसके अंदर, एक तो एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और एक जायगोट का निर्माण होता है। अब इस प्रक्रिया के दौरान जो ओव्यूल के बाहर जो इंटेगुमेंट होती है, जो कि मेगास्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट कर रही है, मेगास्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करती है, ये जो इंटेगुमेंट है ये बाद में सीड कोट में डेवलप हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद में, और सीड को प्रोटेक्शन करने का कार्य करती, क्योंकि सीड बाद में डॉर्मेंसी सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है, तो जब तक वो डॉर्मेंट पीरियड में रहता है तब तक सीड कोट उसको अंदर जो एम्ब्रियो पड़ा हुआ है उसको ये प्रोटेक्शन करने का कार्य करती है। ये पिक्चर आपको बताती है यहाँ पर कि फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, जिसे हम इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। इसके अंदर जो आठ कोशिकाएं दिखाई देती है आपको, मतलब एट न्यूक्लियोटाइड सेवन सेल कंडीशन इसमें होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये एम्ब्रियो सैक का पिक्चर दिखाया है, जिसके अंदर ये यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर एंड है और उसके अपोजिट जो होता है वो चलाजल एंड कहलाता है। जो मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसका न्यूक्लियस आठ में डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड होकर के आठ न्यूक्लियर बनाता है। आठ न्यूक्लियर में से तीन न्यूक्लियर तो ये चलाजल एंड की तरफ चले जाते हैं और एंटीपोडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, और तीन न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं। और इसमें से दो साइड की जो कोशिकाएं होती है वो सिनर्जिड सेल कहलाती है और बीच की जो कोशिकाएं वो एक्सेल का एक्सेल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसमें से जो दो पोलर न्यूक्लियाई वो बीच में आ जाते हैं और एक सेंट्रल सेल का निर्माण करते हैं, और बाद में जब फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाते हैं और ये है एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जो मेल गैमेट है वह तो इस एक्सेल से फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट जो होगा वह इसे डिप्लॉयड सेंट्रल सेल के डिप्लॉयड न्यूक्लियस से फ्यूज करके एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो बच्चों आज हमने इसके मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन जैसे इंपॉर्टेंट करेक्टर के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।